गुड इवनिंग आप सभी को, हैप्पी दिवाली। आज है दिवाली तो हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे गांव में धूमधाम से हर किसी घर दिवाली मनाया जाता है। और दूसरी बात कि गांव में ज़्यादा करके जो मिट्टी के दिए बने होते हैं तो उस दिए से पूरा घर सजाया जाता है। और मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि पूरे दिए से हर घर को कैसे सजाया जाता है और यहाँ पे हम लोग गांव में कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस चीज़ को मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और साथ में आप लोग को एक और बात बता दूं कि जो भी मेरा कंप्यूटर का सेटअप था वो पूरा हो गया है, उसका अनबॉक्सिंग करना बाकी है, तो उसका भी अनबॉक्सिंग एक दो दिन के अंदर में आ जाएगा। तो मैं आप लोग एक बार दिखा देता हूँ बैक कैमरा करके कि जो भी मेरा सेट था वो ऑलरेडी मैं परचेज कर लिया हूँ और सामने ही रखा है, मैं आप लोग को दिखा दूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये सीपीयू है और ये आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड है और ये माउस है और ये ओस्कर का एलईडी है मॉनिटर और ये साथ में यूपीएस आया है। तो ये सब का अनबॉक्सिंग मैं एक दो दिन में कर दूंगा और उसका भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और विथ प्राइस किसका कितना प्राइस है तो सबका प्राइस आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आप लोग देख सकते हैं आंगन में मेरे वहाँ पे भगवान का स्थान है तो वहाँ पे पहले दिया जलाया जाएगा और जला दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी बात कि जो भी गांव में देवता है भगवान उनके मंदिर में हम लोग जाते हैं और वहाँ पे हम लोग अलग अलग मंदिर में वहाँ पे दिए रखते हैं और वहाँ पे सजाते हैं और अपना पूजा करते हैं। साथ में पूरे घर को और घर से बाहर भी हम पूरे दिए से सजाते हैं और उसके बाद और छत पे हम मोमबत्ती सजाते हैं और पूरे मोमबत्ती से पूरे गांव जगमग होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पूरा मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं ये दिवाली इतना हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाएँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे घर के जो द्वारी है तो यहाँ पे सब पे दिया रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं हर जगह पे दिया मिलेगा और पूरे आंगन में आंगन भी सजा दिया गया है, जो कि आंगन में हमारे जो भी देवता है वहाँ पे सबसे पहले हम लोग दिया लगाते हैं और यहाँ से शुरुआत है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं हर जगह पर आपको एक दिया मिलेगा। और ये आप लोग जो देख सकते हैं तो ये हमारे कुल देवता है, यहाँ पे जो भी देवता है उनका यहाँ पे उनके नाम से यहाँ पे दिया हम लोग जलाते हैं और पूरे दिए में तेल भरा होता है जो कि इसको हमको रात में पूरे रात जलाना पड़ता है। और साथ में यहाँ पे भगवान का फोटो भी मिल जाएगा आपको और फल और मिठाई के साथ पूरे यहाँ पर सजा दिया गया है अभी। तो ये घर के आंगन का जो भी दिया सजाए थे हम लोग तो उसका आप लोग वीडियो देखें। अभी मैं जाऊंगा अपने गांव के बाहर, यानी जो भी भगवान है जो भी देवता है तो उनके मंदिर में हम लोग जाएंगे और ऐसा नहीं कि हम अकेले जाएंगे, पूरे गांव के लोग एक साथ निकलते हैं और जो भी लड़का का ग्रुप है तो हम लोग ग्रुप में सब कोई साथ में ही जाएँगे और जाके पूरा हर भगवान मंदिर पर वहाँ पे दिए हम लोग सजाएंगे और वहाँ अपना पूजा अर्चना करेंगे। तो आप लोग सुन सकते हैं अभी कुछ लड़के पटाखे भी बजाना चालू कर दिए हैं, तो हम भी फटाफट अभी रेडी हो गए हैं, फटाफट निकलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थाली में मिट्टी के दिए हैं और कुछ प्रसाद है और माचिस और अगरबत्ती, तो अभी इसको ले कर हम गाँव के जो भी भगवान हैं जो भी देवता हैं तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, तो अभी जाते हैं और वहाँ का भी आप लोगों को वीडियोज दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम लोग गांव के जो दुर्गा जी का मंदिर है तो उसमें हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे
और यहाँ से स्टार्ट करके और पूरे गांव में हम लोग घूमेंगे। तो यहाँ दुर्गा जी के मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे दिया बाती सब जलाए हैं, तो हम भी यहाँ पे जलाएंगे। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे दिया रखा गया है। तो अभी यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग हो रहा है और इसके बाद से बहुत सारे यहाँ पे मंदिर है, बहुत सारे देवता का मंदिर है, तो हम लोग पूरे मंदिर में जाएंगे और सब जगह का आप लोगों को क्लिप हम लोग दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। दूसरे जगह पर पहुंच चुके हैं और इस जगह को हम लोग डीहा ब्रह्म बाबा बोलते हैं, जो कि हमारे गांव में, गांव से बाहर एक ब्रह्म बाबा का स्थान है, तो इसको हम डीहा ब्रह्म बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे बहुत लोग यहां पे आके अपना अपना दिया यहां पे जलाए हैं। तो हम लोग भी अब आ चुके हैं क्योंकि यहां पे अंधेरा है, गाँव के बाहर है तो यहां पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो यहां पे अंधेरा आ चुका है। तो अभी यहां पर हम लोग अपना दिया जलाएंगे, यहां से हम जला के तीसरे जगह के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तीसरा जगह है जो कि भगवान का स्थान है, तो यहाँ इस जगह का हम लोग बोलते हैं सती माई। तो फाइनली हम लोग चौथे जगह पर पहुँच चुके हैं, जो कि इस जगह को हम लोग ब्रह्म बाबा बोलते हैं। तो ये गांव के अंदर में ब्रह्म बाबा का स्थान है। तो पहले जो हम लोग ब्रह्म बाबा के स्थान पर गए थे वो डीहा ब्रह्म बाबा बोलते हैं, और ये गाँव के अंदर में ये मंदिर है, स्थान है, तो इसको ब्रह्म बाबा बोलते हैं। और यहाँ पर चौथा जगह पे हम लोग आए और यहाँ से हम लोग दिया जलाएंगे और फिर पांचवे जगह के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो हम लोग फाइनली पांचवे जगह पे आए हैं, जो कि गांव में भगवान शिव का मंदिर है, ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। तो हम लोग पांचवे जगह पे आए हैं और ये लास्ट जगह है, फाइनल जगह है। तो यहां से हमारा कंप्लीट होता है, जो भी दिया जलाने का यात्रा था वो यहां पे हमारा कंप्लीट होगा। तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये भगवान शिव का मंदिर है, आप लोग ये देख सकते हैं, भगवान शिव का ये लिंग है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो फाइनली यहाँ हम लोग अपना दिए जलाएंगे और यहाँ से हम लोग फिर घर को जाएंगे।
तू हट ना, तू हट ना। बाबू पहले कॉलर था तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड शुभ रात्रि।